हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन किचन क्रेविंग्स। नवरात्रि स्पेशल सीरीज में, व्रत स्पेशल सीरीज में आज हम बनाने वाले हैं दो वैरायटीज के बहुत ही टेस्टी एंड यमी रायता। एक है मखाने का रायता, बहुत ही हेल्दी और न्यूट्रिशियस, और दूसरा है सभी का फेवरेट आलू का रायता या पोटेटो रायता। तो चलिए बनाते हैं झटपट सी रेसिपीज, लेट्स बिगिन। स्पेशल व्रत स्पेशल आलू का रायता बनाने के लिए आज हमने लिया है एक कप फ्रेश दही। आप चाहें तो घर में जमा हुआ दही भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ मार्केट वाला दही यूज कर रही हूँ। एक आलू हमने बॉईल करके छोटे छोटे पीसेस में काट करके रखा है। कुछ हरी धनिया, हरी मिर्ची हमने लिया है, और क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं सेंधा नमक और काली मिर्ची यूज करेंगे। पैन में मैंने आधा चम्मच घी को गर्म करने रख दिया था। अब हम हमारे जो बॉईल किए हुए पीसेस आलू के इसमें हल्के रोस्ट करेंगे। मीडियम फ्लेम में हम लगातार चलाते हुए आलू को थोड़ा सा क्रंची, आउटसाइड कोटिंग थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी, तब तक हम इसे चलाते हुए सेक लेते हैं। देखिए, आलू अब हमारे काफी क्रंची लग रहे हैं। मैं फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब हमारी बीट की हुई दही में हम काली मिर्ची मिलाएंगे। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिलाइए काली मिर्ची, नमक। मैं 1/4 चम्मच के लगभग नमक मिला रही हूँ। कुछ अब हम मिलाएंगे बारीकी से काटी हुई हरी मिर्ची। अगर आप नहीं खाना चाहते इसको अवॉइड कर सकते हैं, अगर बच्चे खाएंगे तो भी आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। बारीकी से काटा हुआ हरा धनिया अब हम इसमें मिलाएंगे, और अब हम ऐड करेंगे फ्राई किए हुए आलू। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। रेडी हो गया है हमारा नवरात्रि स्पेशल आलू का रायता। खाने का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा कप फ्रेश दही लिया है। दही ज्यादा खट्टा नहीं ले, आप चाहें तो घर में जमा हुआ दही भी यूज कर सकते हैं। 20 से 25 मैंने मखाने लिए हैं। हरी मिर्ची बारीकी से काटी हुई, हरा धनिया बारीकी से काटा हुआ, सेंधा नमक और काली मिर्ची। क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे हैं इसलिए ज्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे। पैन को मैंने गर्म होने रख दिया है। अब हम मखानों को ड्राई रोस्ट करेंगे लो फ्लेम के अंदर। कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए हमें मखानों को क्रंची कर लेना है लो फ्लेम पर। मखाने अब हमारे काफी क्रंची हो गए हैं। मुझे 7 से 8 मिनट इन्हें रोस्ट करते हुए हो चुका है। फ्लेम अब मैं ऑफ कर दे रही हूँ। अब हमारी जो दही है हम उसको एक बार बीट कर लेते हैं। अगर आपको पानी की जरूरत लगे 1-2 चम्मच आप पानी भी मिला सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। दही हमारा अच्छे से बीट हो गया है, देखिए एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इसमें मिलाएंगे सेंधा नमक अपने स्वादानुसार। मिलाएंगे अब हम काली मिर्ची 1/4 चम्मच, या अपने टेस्ट अकॉर्डिंग मिलाइए। अगर आप हरी मिर्ची खाते हैं तो बारीकी से काटी हुई हरी मिर्ची मिला सकते हैं। थोड़ा हम हरा धनिया बारीकी से काटा हुआ मिलाएंगे, और अब हम मिलाएंगे हमारे रोस्ट किए हुए मखाने। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मखाने का रायता रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, रेडी हो गए हैं हमारे दो तरह के स्पेशल व्रत स्पेशल नवरात्रि स्पेशल रायते। मखाना का रायता जो बहुत ही न्यूट्रिशियस और हेल्दी माना जाता है, मखाना या फॉक्सनट, और आलू का रायता बड़ा ही क्रिस्पी यमी, बच्चे भी बहुत ही पसंद करेंगे। आई होप यू लाइक दिस रेसिपी। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कुक
for the best.